नियुक्ति करने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसे 55,000 रुपए लेते हुए लोकल एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस, एक्स्ट्रा स्पीड, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा कन्वीनियंस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब पाए पेट्रोल से छुटकारा। आज ही संपर्क करें। जिला शिक्षा अधिकारी के बाबू को 55,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोक आयुक्त पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। मामला एमपी के कटनी से सामने आया है, जहां जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ रिश्वतखोर बाबू ने अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आवेदक ने इसकी शिकायत लोक आयुक्त में की थी, जिसके बाद लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बाबू अजय खरे को 55,000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। आरोपी अजय खरे जिला शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ है और शिक्षा विभाग में DEO के बाबू के पद पर कार्यरत है। जानकारी के मुताबिक जिले में एक शिक्षक कुशल सिंह की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिसके बाद कौशल सिंह के बेटे सुनील सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। सारी औपचारिकता पूरी होने के बावजूद फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसों की मांग की जा रही थी, जिससे परेशान होकर आवेदक सुनील सिंह के भाई राजेंद्र सिंह ने लोकायुक्त पुलिस का सहारा लिया, जहां जबलपुर लोकायुक्त DSP निरीक्षक समेत 8 सदस्यीय टीम ने छापा मारकर कार्यवाही को अंजाम दिया है। शिक्षा विभाग में पदस्थ थे, करीब 20 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे संबंध में मैंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन यहाँ पे किया था, तो काफ़ी समय से मैंने किया था, 6 माह से, तो उसी सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मेरे से रिश्वत की मांग की गई थी 80,000 रुपये, जिससे DO बाबू है एक अनुकंपा नियुक्ति की जो पदस्थापना देखते हैं, अजय खरे उनका नाम है, उन्हीं ने मेरे से मांग की थी, तो उसी संबंध में मैंने फिर लोकायुक्त से शिकायत की थी, तो उन्होंने आज दिनांक को यहाँ पे पहली किस्त देने आया था। 80,000 मेरे से मांग रहे थे, लेकिन अपन बहाना बना के ये सब वो सब मैंने जमीन गिरवी रख के, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, अभी हाल ही में इतनी बड़ी घटना हुई है तो इस संबंध पैसे नहीं थे, तो मैंने जमीन गिरवी करके और इनको कल आज पैसे लेके आया तो दिया, अभी 55,000 दिया मैंने। इसको लेकर जबलपुर लोकायुक्त इंस्पेक्टर स्वप्निल दास ने जानकारी दी। 16/3/2022 को प्रार्थी राघवेंद्र सिंह निवासी ग्राम रोहनिया कला जिला कटनी के द्वारा लोकायुक्त कार्य जबलपुर में शिकायत की गई कि उसके पिता का निधन हो चुका है किसी दुर्घटना से, जो कि शिक्षक थे, और उसके भाई सुनील सिंह की अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा विभाग में होनी थी, जिसके लिए उनके द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु 5 से 6 माह बीतने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति उनकी उनके ब्रदर की नहीं हो रही थी। जब शिकायत की गई तो शिकायत का सत्यापन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कराया गया, तो उसमें जिला शिक्षा अधिकारी जिला कटनी के कार्यालय में पदस्थ बाबू अजय कुमार खरे, जो कि स्थापना शाखा देखते हैं, उनके द्वारा नियुक्ति की फाइल जो थी उसको आगे बढ़ाने में नियुक्ति करने के एवज में 1 लाख रुपये रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसे आज दिनांक को 55,000 रुपये लेते हुए लोकायुक्त टीम जबलपुर के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। किश्त नहीं, इतने में ही 1 लाख की बात हुई थी, किंतु मोल भाव करने पर 55,000 में बाबू मान गया था कि ठीक है 55,000। कटनी से अमरता प्रकाश, सागर TV News।